गुजरात में मोदी सरनेम पर विवादित टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी दोषी करार, 2 साल की सुनाई गई सजा। दिल्ली में लगातार चल रहा है पोस्टर वार, पीएम मोदी के बाद अब सीएम केजरीवाल के खिलाफ लगे विवादित पोस्टर। अतीक अहमद की पत्नी का बिना नकाब का कोई फोटो नहीं है, पुलिस का दावा है किसी का फायदा उठाकर शाइस्ता विदेश निकल गए। मुंबई में अवैध दरगाह पर चला शिंदे सरकार का बुलडोजर, राज ठाकरे की चेतावनी के बाद हुई कार्रवाई। यूट्यूबर मनीष कश्यप की गिरफ्तारी के विरोध में बिहार बंद का ऐलान, शेखपुरा में समर्थकों ने एनएच जाम कर फूका टायर। भारत में लॉन्च हुए नथिंग के नए एयरबड्स, कीमत इतनी कि खरीद सकते हैं एक नया स्मार्टफोन। राज ठाकरे ने शिंदे पर कसा तंज, कहा शिवसेना में विभाजन के लिए उद्धव जिम्मेदार। भड़काऊ पोस्ट डालने पर सांसद सिमरजीत मान का ट्विटर अकाउंट हुआ बंद, अमृतपाल ऑपरेशन पर उठाए थे सवाल। संसद में आज भी हंगामा, दोनों सदनों की कार्यवाही कई घंटों के लिए स्थगित कर दी गई। देश में 140 दिन बाद कोविड के नए मामले फिर 1000 के पार, बीते 24 घंटे में 1300 नए मामले आए सामने। पाकिस्तान में गहराता जल संकट, 30 मिलियन पाकिस्तानियों के पास नहीं है पीने का साफ पानी। मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने की पहल, 20 लाख नौकरियां सृजित होने की हुई उम्मीद। रोहित शर्मा अपने बल्लेबाजों से हुए निराश, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज शिकस्त के बाद जमकर निकाली भड़ास। बर्फबारी, बारिश व ओलावृष्टि से उत्तराखंड में कोल्ड कर्फ्यू, तस्वीरों में बर्फ से ढकी वादियां। करौली बाबा का भौकाल, 20 हथियारों से लैस गैंग के साथ चलते हैं बाबा, 3 साल में खड़ा किया करोड़ों का साम्राज्य। बरेली जेल में अशरफ ने तय किया था उमेश को मारने का प्लान, पहली कोशिश हुई थी नाकाम। 3 लाख का इनामी वांटेड गैंगस्टर बॉक्सर विदेश भागा, लॉरेंस और गोल्डी बराड ने की थी मदद। सोनीपत में नवरात्र के पहले दिन कुट्टू का आटा खाने से बिगड़ी 250 लोगों की तबीयत, अलग अलग अस्पतालों में हुए भर्ती। जुगाड़ तकनीक से बनाया युवक ने पेड़ पर चढ़ने वाला स्कूटर, कुछ सेकंड में पहुंचा देगा कई फीट ऊपर, हर्ष गोयनका ने की तारीफ। अमृतपाल सिंह ने गुरुद्वारे में बिताए थे 45 मिनट, कपड़े पगड़ी बदली थी, साथ ही पुजारी का फोन भी किया था इस्तेमाल। संभल में किशोरी पर युवक ने किया चाकू से हमला, गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में हुई भर्ती। दिल्ली के पहाड़गंज में विदेशी महिला से रेप के आरोपी को पीट पीट कर हत्या कर दिया गया, पेरोल पर बाहर आया था आरोपी। प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रवार को वाराणसी का दौरा, 1780 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण व करेंगे शिलान्यास। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज करेंगे युवा नीति की घोषणा, युवाओं ने सरकार को दिए थे सुझाव। गृह मंत्री अमित शाह का दावा, अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद कश्मीर में शांति हुई है स्थापित।